पिता नहीं भगवान की शरण लेने मात्र से और संजो की कल्याण हो जाता है। भगवान को आश्रय लेकर के भी एक मनुष्य यदि कर्म करे तो भी उसको कल्याण हो जाता। सर्व कर्मा नपि सदा कुर्वाणो वेद पाश्रय मत प्रसादा द्वापनोति शाश्वत पद मध्यम। अर्जुन मेरी शरण लेकर के मनुष्य सदा सर्व कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है मेरी शरण लिए हुए और सदा सर्वदा कर्म करते हुए। जी का ये कहना है कि सदा सर्वदा कर्म न कर करके कर और मेरी शरण से उद्धार हो जाए उसमें तो कहना ही क्या है। किंतु कर्म करता हुआ जो मनुष्य संजो की सब कर्मों को छोड़ करके एकांत में बैठ करके और मेरा ध्यान लगावे उससे मेरी प्राप्ति हो जाए उसमें कहना ही क्या। तो बोले हर वक्त भगवान को याद रखना या भगवान के नाम को याद रखना या भगवान के स्वरूप को याद रखना ये कठिन है। हम एक प्रकार से जब कर्म करते हैं तो उस वक्त में भूल जाते हैं। हम चाहते हैं और सर्वथा कर्म का त्याग कर नहीं सकते और एक प्रकार से कर्म करने के समय के मैं उसको भूल जाते तो और भी उपाय है। उपाय तो है किंतु एक प्रकार से सभी उपायों के मां किसी न किसी प्रकार की थोड़ी कठिनाई तो मिलेगी आपको। किसी भी उपाय में आप चलोगे तो कुछ न कुछ तो कठिनाई थोड़ी मिलेगी। तो कर्म करने के समय के बीच के मां भगवान की स्मृति रहनी है तो हमारे लिए कठिन है। ऐसा कोई सरल उपाय बतला दो कि जिससे एक प्रकार से सहज में भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि संसार सागर से पार होना बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। क्या करें तो बहुत कुछ कर चुकी गए और चेष्टा भी करते हैं किंतु एक प्रकार से कि ये मन भगवान के मन लगता ही नहीं ध्यान लगता ही नहीं। तो ऐसा कोई उपाय हुए जिससे भगवान की प्राप्ति हमारे को सहज भी हो जाए तो बोले सहज हो सको। भगवान ने कहा कि भाई बात तो ठीक है तू जो कहता किंतु सहज में हो सकती क्या करने से कि केवल भगवान की शरण होने तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्ति शास्त्रम। अर्जुन उस परमात्मा की शरण हो जाए। उस परमात्मा की शरण होने से इस प्रकार से सब प्रकार सर भावे ने असर भावों से उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। सर भावों से कैसे कि प्रभु आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु धन प्राण ऐश्वर्य विद्या ज्ञान जो कुछ हमारे सब कुछ आप ही हो। इस प्रकार से थी सर भावों से भगवान की शरण होना और सब प्रकार से कैसे कि मनुष्य बाचा करना मन से समझो कि भगवान की शरण होना यानी मन से भगवान को याद करना बुद्धि से भगवान का निश्चय करना। मन और बुद्धि अंतकरण के दो भेद है। इस वास्ते मन से थी भगवान की शरण होना और बुद्धि से शरण होना एक ही बात है। बुद्धि के निश्चय के अनुसार भगवान के स्वरूप का मन से ध्यान करना और वाणी के द्वारा उसके नाम और गुणों का गान करना मनसा बाचा और कर्मणा कर्मों के द्वारा कि अपने शरीर आदि के द्वारा भगवान की सेवा करना। इस प्रकार से भगवान की शरण होने से भगवान की प्राप्ति सहज में हो सकती। अनुशासन पर्व के अंतर्गत जो विष्णु सहस्र नाम है उस विष्णु सहस्र नाम के 137 के श्लोक में भी बताया कि वासुदेव श्रेयो मृत्यु वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातन। जो मनुष्य वासुदेव के यात्रे है वासुदेव के ऊपर निर्भर है और वासुदेव के परायण है वह सर्व पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
भगवान गीता में कहते हैं कि देवी हिसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे प्रबद्धंते माया मेतांग करंती। सत्र सम तीनों गुणमयी मेरी माया करने को बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरी शरण हो जाता है वो इसे माया को सुदान करता है। तो केवल भगवान की शरण होने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, पतंजलि को दर्शन की पहले तो उन्होंने कहा कि अभ्यास और वैराग की बात, तो यदि अभ्यास और वैराग तुम्हारे से न मिले तो कहते हैं कि ईश्वर परिधान अथवा ईश्वर परिधान से भी समझो कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होकर के समाधि की सिद्धि हो जाती है। ये भगवान या महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग दर्शन के पहले पाद के मां कही 23वां सूत्र है। समाधि सिद्धि ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, उनके समाधि की सिद्धि मुक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। तो भगवान की शरण से ही ईश्वर परिधान का मतलब भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति। यदि वो ठीक है भगवान की शरण से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, किंतु सब प्रकार से भगवान की शरण होना ये भी कोई मामूली बात नहीं। हमको तो कोई साधारण सुगम सा उपाय बता दो तो सुगम उपाय भी है। सुगम उपाय क्या कि जैसे आपको बात बताई कि मनुष्य वाचा करुणा भगवान के शरण की बात है, तो बुद्धि से भगवान के स्वरूप को समझ करके मन से उसका ध्यान करना ये बात आपको कठिन प्रतीत हुई। तो दूसरा उपाय आपको बता दिया कि वाणी के द्वारा निरंतर निष्काम भाव से उसके नाम के जप करने से भी कल्याण हो जाता है, पर ये भी आपको कठिन समझ लिया। तो कर्मणा माने कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा पूजा भी निष्काम भाव से करी जाए, ये तो मोटी बात है, हरेक आदमी कर सकता है, तो उससे भी भगवान की प्राप्ति। पत्रं पुष्पं फलं सूर्यं यो मे भक्त्या पर्यच्छति तदं भक्तु प्रीतः मस्नामि प्रियतात्मनः। जो मेरा फल पत्र पुष्प फल से जो भक्ति करके मेरे समर्पण करता है, उस प्यारे भक्त का भक्ति करके समर्पण किया हुआ हम अस्नामी मैं सुख खाता हूँ, अपने भोग लगाता हूँ, साक्षात प्रकट होकर के और मैं इस प्रकार से करता हूँ। तो बोले अभी ये काम तो आपने बड़ा सीधा बता दिया, भगवान की पूजा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, परंतु इसके साथ में आप थोड़ा प्रेम का संबंध जोड़ दिया। तो बोले बिना प्रेम तो भगवान सुने नहीं। राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम अरी जय नहीं ठाकुर नंद किशोर। प्रेम तो भैया भगवान में करना ही होगा, किसी भी प्रकार से करना। कबीरा मन तो एक है भावे ध्यान लगा, और भावे हरि की भक्ति कर और भावे विषय कम, चाहे विषय भोगों को भोग लो और चाहे भगवान के मन लगा दो भगवान की भक्ति कर। ये बात तो असंभव है, एक प्रकार से विषय भोगों को भी भोगते रहे, उसको भी एक प्रकार से आस्वादन विषय भोगों का भी लेते रहे, दिलचस्पी लेते रहे, और इधर भगवान भी आकर के हमारे को मिले, ये तो कठिन बात है। भगवान की विशेष दया से कोई काम हो जाए वो तो अलग बात है, वो तो एक कानून नहीं है, वो तो भगवान की एक प्रकार से मर्जी के ऊपर है। बोले बिना पात्र के भी भगवान ऐसा दर्शन देते हैं, बोले बिना पात्र के दर्शन देने का कारण जो कारण कि तो भगवान को कोई गर्ज हो कि इससे कुछ अपने को काम लेना है तो दर्शन देते हैं। पात्र होते कुपात्र होते फिर वो पात्र बन जाता भगवान के दर्शन होने से, कुपात्र भी पात्र बन जाता है। और यह जो है इस बात को जो मानता है कि भगवान का दर्शन कुपात्र को भी होता है, तो ऐसा जो कुपात्र पापी पुरुष समझो करुणा भाव से भगवान के आगे रोता ही रोता तब तक कि जब तक भगवान दर्शन नहीं दे तब तक। रोना तो सीधी बात है ना, जो अपने को कुपात्र मान ले भाई, अरे भगवान के यहाँ कुपात्र के लिए भी गुंजाश है। भगवान इतने दयालु है चाहे पात्र हो चाहे कुपात्र हो, उसका भी ऐसा कल्याण कर देते हैं।
इस विद्या को, इस रहस्य को जो समझ जाता है, इस बात पर जो विश्वास कर लेता है, और विश्वास कर करके भगवान को सन्मुख समझ कर करके रोता है कि प्रभु मेरे लिए कहीं ठोर नहीं, मैं इतना भारी पापी हूँ कि मेरे लिए कहीं गुंजाश, ये तो आपके ही समझो कि दरबार में आपका ऐसा वृद्ध है कि जहाँ मेरे जैसे का भी गुंजाश है, पर वो इस बात के भेद को मैं जानता हूँ, इसलिए एक प्रकार से मैं आपके द्वार आकर के पढ़ा। जो भगवान के स्वभाव को जान जाता है वो भगवान से लाभ उठा लेता है, किंतु इतना उसको विश्वास तो करना चाहिए ना कि भगवान ऐसे उदार चित्त, ऐसे दयालु और समझो कि ऐसे कोमल स्वभाव वाले हैं कि वे किसी के दुख को नहीं देख सकते, नहीं सह सकते, फिर वे एक प्रकार से अपनी नीति की तरफ ध्यान नहीं देते, वहां भगवान अपने कानून को छोड़ देते। कोई भाई ने कहा कि आप कठिन से कठिन भी उपाय हमको बतला दो, हम करने के लिए तैयार है, हम रियायत नहीं चाहते। तो बहुत अच्छी बात है, कठिन से कठिन भी उपाय भगवान ने गीता में बतलाया सूर्यवीरों के लिए, वो क्या है कि सर्वाणी जी कर्माणि प्राण कर्माणि चापरि आत्म संयम योगाग्नौ ज्योति ज्ञान दीक्षिते, गीता अध्याय 4 श्लोक 27 में। इस प्रकार से भी सूर्यवीर जो एक प्रकार से योगी हैं, वे ऐसा साधन करते हैं, ऐसा कि सर्वान इंद्रिय कर्माणि इंद्रियों के जो कर्म, और प्राण कर्माणि और प्राणों के जो कर्म, इन सब को हवन कर देते संयम रूपी अग्नि के मन। कैसी वो संयम रूपी अग्नि है कि ज्ञान करके जो देवी पमान ज्ञान उसके मन आग, ऐसे ज्ञान अग्नि के भीतर के जिसके मां समझो कि ऐसे जो ज्ञान करके देवी प्रमाण संयम रूपी जो अग्नि है उस अग्नि के बीच के मां हवन कर देते हैं। यज्ञ के रूप के बीच के मां भगवान ये उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। तो ये कैसे होता है, इन सब का इस प्रकार से उपसंहार बोले योग से सात्विक दृष्टि के द्वारा होता है, जो जिसकी प्राप्ति योग से बतलाई जितया या धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगे ना वे विचारे ना दृष्टि के साथ वार्थ सात्विक जितया अध्याय 18 से लोग 23 में जितया या धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया जिस दृष्टि के द्वारा ये सब धारण किए जाते हैं स्थिर होते हैं, क्या मन इंद्रिया और प्राणों की क्रिया ऐसे होते अव्यविचारी योग के द्वारा, जिसके वहां कोई एक प्रकार से समझो कि विक्षेप का दोष नहीं घटे, जिसमें ये विक्षेप है वहां व्यविचार, ऐसा जो योग है योग वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो योग है, तो चित्त की वृत्तियों के निरोध रूप योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की जो क्रिया है वो एक प्रकार से धारण की जाती है, स्थिर हो जाती है, ये उसे के बीच के मन जो है इसका सबका निरोध हो जाता है। कठोपनिषद के मन भी बतलाया है ये छेद बांग मन से बाणी आदि इंद्रियों को, ये कठवली के बीच के मन यमराज ने जो है नचिकेता के प्रति उपदेश दिया है कि बाणी आदि इंद्रियों का जो है तो मन में निरोध करना चाहिए, मन की मन मन में, और फिर मन को ऐसे बुद्धि में निरोध करना चाहिए, और फिर बुद्धि को जो है उस समष्टि बुद्धि के मन निरोध करना चाहिए, और उस समष्टि बुद्धि को जो है परमात्मा में निरोध करना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया की ऐसी पद्धति है, या उस प्रकार की प्रक्रिया से, या समझो कि एक प्रकार से समझो कि सब कोई उसे योगाग्नि के मां हवन कर देना चाहिए। इंद्रियों की क्रिया क्या, कि 10 जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय, उनकी जो क्रिया है आंख से देखना, कान से सुनना, हाथ से पकड़ना, वाणी से बोलना, ये सब 10 इंद्रियां का जो कार्य है या उनकी क्रिया है, इनसे उनको रहित कर देना। तो इंद्रियों की क्रियाओं का
इंद्रियों की क्रियाओं का होम करना है तो सर्वाण इंद्रिय कर्म, सब इंद्रिया सब उनके कर्म, और प्राण कर्माण, प्राणों का जो कर्म क्या है, श्वास का आना जाना, इसका रोक देना, इस क्रिया को बंद कर देना, यानी प्राणायाम के द्वारा इनको आपने रोक देना। और आत्म संयम, आत्मा माने अंतःकरण, अंतःकरण का संयम यानी मन और बुद्धि का निरोध, मन और बुद्धि इनका एकदम समझो कि क्रिया रहित कर दें। तो मन बुद्धि का जो निरोध है वो ही है योग, और वो ही है एक प्रकार से संयम रूपी अग्नि, और उसके बीच के वहां सब बातों का निरोध होकर के केवल परमात्मा जो चिन्ह है, केवल वहां चेतनता रहती है, वो चेतनता जो है वो ही परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप है, वो ज्ञान करके दे दीप मानक उसे में केवल परमात्मा का ही ज्ञान रहता है, परमात्मा ही वहाँ ज्ञान रूप से दे दीप मान होकर के रहते हैं। ऐसी अग्नि के बीच के वहां मन और प्राणों की इंद्रियों का संयम कर देना, मन के संयम से इन सब का संयम आप ही हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मन का जो संयम है एक प्रकार से वो बड़ा छोटी का है, प्राणों का संयम करके फिर उसके बाद में भी मन का संयम होता है, और मन के संयम से प्राणों का अपने आप ही संयम हो जाता है। तो ये योग का उपाय, ये भी सब भगवान ने गीता में बताया है और शास्त्रों में बताया है, महर्षि पतंजलि ने बताया है, सब ऋषि लोग बतलाते हैं। योग शास्त्र के माँ, योग वशिष्ठ के माँ, और समझो की कठोपनिषद के माँ, गीता के बीच के माँ, प्राय सभी शास्त्रों के बीच के माँ योग की बात आती, इस जमाने के बीच के माँ ऐसा योगी संसार में आपके संयम है क्या? संसार में कोई अभाव नहीं है, आपकी कोई जानकारी नहीं, जानकारी हमारी बहुत अलप है, हमारी जानकारी तो कोई व्यापक नहीं, समझो कि यहाँ हिंदुस्तान के बीच में कोई 40 करोड़ मनुष्य होंगे या 2-4 करोड़ कम होंगे, वो हमको मालूम नहीं है। इतने करोड़ों आदमियों के वहां यदि समझो कि कई आदमी भी हो सकते हैं, तो आप किसको जानते हो? मेरी जानकारी तो बहुत कम आदमियों से है ना, मेरी जानकारी तो समझो लाख आदमियों से शायद नहीं होगी, मैं तो दूसरों की जानकारी में अधिक संख्या में हो सकूं, किंतु मेरी जानकारी के मां तो बहुत कम संख्या के मनुष्य हैं, तो उनके बीच के मां ऐसा तो मेरे समझ में अभी नहीं आया कोई, वह तो भी से वो मेरे ज्ञान में नहीं आया। सिद्धांत से मैं समझता हूँ कि असंभव कोई बात नहीं, तो कोई ऐसा उपाय बता रहा हो कि भगवान की हर वक्त स्मृति रहनी तो हमारे बस की बात नहीं, किंतु हम एक प्रकार से संसार के अपने भोगों को भी भोगते रहे और भगवान भी मिल जाए, हमारी आत्मा का कल्याण भी हो जाए, तो बोले भोगों के भोगने से हो तो सकता है, किंतु भोगों को भोग बुद्धि से भोगने से नहीं होता। तो किस प्रकार से राग द्वेष विश्व इंद्रिष्टन आत्म बसेर विधेय आत्मा प्रसाद मदि गच्छति, प्रसाद ये सब दुख रहना हानि से हो जाते, प्रसन्न चेत सो या सो बुद्धि परिवर्तित। यहाँ पर भगवान की स्मृति की प्रधानता नहीं है, यहाँ कर्मयोग की प्रधानता है। भगवान की स्मृति साथ में व्यक्त और जल्दी काम सिद्ध होता, तो राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा और जिसके मन बस में है ऐसा पुरुष, और जिसके इंद्रियां भी बस में ऐसी इंद्रियों के द्वारा राग द्वेष रहित और अपने अधीन है इंद्रियां, ऐसी इंद्रियों के द्वारा जो पुरुष विश्व में विचरण करता है वह प्रसाद को प्राप्त होता है, यानी उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, और प्रसाद सर्व दुखानां, और उस प्रसन्नता से सारे दुखों की हानि हो जाती है, सारे दुख नाश हो जाते हैं, और उसका चित्त हर वक्त प्रसन्न रहता है। इसके प्रभाव से उस सात्विक प्रसन्नता के प्रभाव से उसकी बुद्धि परमात्मा के रूप में अपने आप ही शीघ्र स्थिर हो जाती है, विलंब का काम नहीं है। तो ये भी हो सके, किंतु एक प्रकार से विषयों के भोगने के समय में जो दिलचस्पी लेता उसका नहीं, और विषयों का जो भोग है वो रसास्वाद लेने वाले को नहीं, भोग भोगने वाले को नहीं, जिसे
भोगने के समय में राग द्वेष रहित होकर के, न किसी में राग न किसी में द्वेष, भोजन करते हैं तो नीम का साग है तो वही बात है। और समझो कि आपने कोड़े का साग है तो वही बात है, और मिठाई है तो वही बात है, और समझो कि औषध है तो वही बात है, जो शरीर के लिए उपयोगी होना चाहिए सो बात भी एक प्रकार से गौण है, किंतु एक प्रकार से राग द्वेष रहित, न किसी में राग न किसी में द्वेष। इसी प्रकार से कोई गाली काटता है तो भी कोई बात नहीं, अरे कोई प्रशंसा करता है तो भी कोई बात नहीं। रास्ते चलते हैं, नासिका का काम सुगंध लेना, तो सुगंध आ गई तो वही बात है, दुर्गंध आ गई तो वही बात है। समझा, कोई भी संसार के जितने जो पदार्थ हैं, जो सोते हैं तो कठोर जगह तो वही बात है, नर्म जगह तो वही बात है, शीत पड़ता है तो वही बात है, गर्मी पड़ती है तो वही। किसी के मां राग द्वेष नहीं है, न तो किसी के मां राग है न किसी में द्वेष है, और सारे विषयों का हम एक प्रकार से चिंतन करते हैं, उन विषयों के साथ इंद्रियों का सहयोग है, किंतु राग द्वेष रहित होकर के इंद्रियां भी बैंक काबू में बस में है, और मन भी काबू के बीच के में। इस प्रकार से समझो कि विषयों में विचरता हुआ भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। तो भाई बोलो, ये काम भी कठिन है। तो यूं तो थोड़ी कठिनता तो सब में है, निष्काम कर्म योग के बीच में कठिनता है, माने कर्म योग के मां निष्काम भाव जो है एक प्रकार से, उसमें कामना न हुए, आसक्त न हुए, उसमें आसक्ति का त्याग करना कठिन है। तो आसक्ति का त्याग जो है, कामना का त्याग ही तो निष्काम कर्म योग है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और भगवान की भक्ति के मार्ग के बीच के मां प्रेम प्रधान है, यदि वहाँ प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे भगवान की पूजा करो प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं, चाहे भगवान का जप करो ध्यान करो तो उसमें प्रेम की प्रधानता, क्योंकि वो तो भक्ति का साधन है, भक्ति के साधन में प्रेम की प्रधानता। जहाँ ज्ञान का साधन है वह ज्ञान प्रधान, उस परमात्मा के तत्व को समझना प्रधान है, और कोई प्रधान नहीं उसमें। किंतु परमात्मा के तत्व को आप समझे बिना परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो असंभव है। भगवान के मां प्रेम करने, भगवान में प्रेम के बिना भगवान का दर्शन चाहो तो असंभव है। कर्मों के बीच में समझो कि इच्छा का त्याग और फल का त्याग के बिना मुक्ति चाहो तो मुश्किल है। स्वास्थ्य भगवान कहते हैं, विहाय कामान ये सर्वान पुमान सरती निष्प्रिय निर्ममो निरंकार सशांति मधिगच्छति। कर्मयोग के बीच के मां जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को स्त्रिया को त्याग करके ममता और अहंता रहित होकर के विचरण करता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण और भी बहुत सी बातें हैं। अब समय बहुत ही कम रह गया है, तो एक प्रकार से कुछ कहा जाता है। यदि ये सब जो साधन बताए, इन साधनों के बीच के में आपके सुविधा न हो, शास्त्रों के बीच के में ऐसी बात भी बताई जो सबके लिए शुभ हो सकती है। कोई भाई तो कहता है कि भगवान एक प्रकार से होते तो हम लाभ उठा लेते, कोई कहता है कि महात्मा पुरुष भी बहुत कम मिलते हैं, और मिलते हैं तो हम उसको पहचानते नहीं, और किसी में हमारी श्रद्धा नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के मां फिर क्या उपाय करें? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यथा अभिमत ध्यान आत्वा, यथा अभिमत ध्यान आत्वा माने जैसा तुम्हारे को अभिमत हो उसके ध्यान से भी परमात्मा की प्राप्ति जाती है, इसकी वृत्तियों को निरोध होकर के आत्मा को उद्धार हो जाता है। यथा अभिमत क्या, कि तुम्हारे मत में तुम्हारी मान्यता के बीच के मां जो सबसे बढ़कर के है, सबसे श्रेष्ठ है, उसके ध्यान से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो कि भगवान भी मौजूद नहीं, महात्मा भी मौजूद नहीं, कोई भी मौजूद नहीं, ऐसी परिस्थिति के बीच के मां तुम्हारी जो मान्यता के अनुसार तुम्हारे को जो अभिमत है, तुम्हारी बुद्धि में जो सबसे बढ़ करके, उसके ध्यान से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा का उद्धार हो जाता है। उसके ध्यान से उसे पूछा जाता है
कि सत्य बोलना श्रेष्ठ है कि मिथ्या बोलना श्रेष्ठ है, तो तुम्हारी बुद्धि यही तो कहेगी ना कि सत्य बोलना श्रेष्ठ है, चाहे हमारे से न बोला जाए किंतु सत्य बोलना श्रेष्ठ है। तो बोलो सत्य को इस तरफ रखो और मिथ्या को इस तरफ। दूसरी बात पूछी जाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अच्छा है कि व्यभिचार अच्छा है। यही कहना होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन ही अच्छा है, तो बोले ब्रह्मचर्य का पालन को यहाँ रखो और व्यभिचार को यहाँ। किसी का अनिष्ट करना अच्छा है कि किसी का हित करना अच्छा, यही कहना होगा कि भी उपकार करना हित करना ये अच्छा है, किसी का बुरा करना अनिष्ट करना तो अच्छा नहीं। बोलो दूसरे का अनिष्ट तो यहाँ रखो और दूसरे का उपकार यहाँ। संसार के विषय भोगों का स्वार्थ का ऐश आराम का त्याग करना चाहिए कि उनका उपभोग करना चाहिए। बात तो त्याग के चीज, बोले त्याग को यहाँ रखो और भोग को यहाँ रखो। इस प्रकार से थी हरेक वस्तु के मन तुम अपना निर्णय करते चलेगा, तो एक तो देवी संपदा बन जाएगी, एक आसुरी संपदा बन जाएगी। उस देवी संपदा का सत्यवन करो, आसुरी का त्याग करो। तो आसुरी का त्याग करके देवी संपदा के धारण करने से मुक्ति हो जाएगी, और मुक्ति का सीधा उपाय है। और भी बहुत से उपाय है, किंतु अब समय हो गया। नारायण 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 श्रीमारायण। सत्संग की सार सार बातें के विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंद गा के द्वारा आज मुक्ति पोष शुद्धि एकम संबत 2011 प्रातः 10 बजे श्री रामदीस दास जी पर श्री राम पूजा की कोठी वृंदावन दमदेती में दिया गया।